ना रोहित ना कोहली ना सूर्या, भारतीय टीम को मिल गया है वनडे क्रिकेट में अपना एक और नया नंबर एक खिलाड़ी। लेकिन कौन है भारत का ये नया वनडे क्रिकेट का सितारा जो शायद अब जल्द ही बाबर आजम को पीछे छोड़ने वाला है। बहुत हाल ही में इस खिलाड़ी ने बाबर आजम को कड़ी टक्कर दी है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। लेकिन ये कौन सा खिलाड़ी है? आईसीसी ने खुद इस खिलाड़ी का नाम अनाउंस किया है और कौन सी बड़ी उपाधि इस खिलाड़ी ने जीती है, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पर हैं आप। अगर आप भारतीय क्रिकेट का जनवरी का महीना एक बार सोचें तो आपको सिर्फ एक ही नाम शायद याद आएगा जिसने हर एक मुकाबले में या अगर बात की जाए हर एक सीरीज में भारतीय टीम के लिए शानदार जानदार और लाजवाब परफॉर्मेंस कर दिखाया है। ये नाम है अपने बल्ले के साथ हल्ला मचाने वाले 23 वर्षीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का। शुभमन गिल को आईसीसी ने ओडीआई प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी से नवाजा है। ये बड़ा अवार्ड मिला है शुभमन गिल को, जहां ओडीआई प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए तीन खिलाड़ी नॉमिनेट हुए थे। उसमें नाम था शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवॉय का। मोहम्मद सिराज ने कहर बरपाती हुई गेंदबाजी की थी, डेवॉन कॉनवॉय ने बल्ले के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, लेकिन शुभमन गिल ने इन दोनों को मात देते हुए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी की बड़ी उपाधि को अपने नाम पर हासिल किया है। शुभमन गिल ने जनवरी के महीने में दो बड़े चमत्कार किए थे जो शायद सालों साल याद रखे जाएंगे। उसमें से पहला बड़ा चमत्कार था दोहरा शतक जो आया था न्यूजीलैंड के सामने। साथ ही उसके बाद जो बड़ा रिकॉर्ड उसी सीरीज में था शुभमन गिल के पास कि तीन ओडीआई मुकाबलों में शुभमन गिल ने 360 रन बनाए थे और ये किसी भी अंतरराष्ट्रीय तीन मुकाबलों की श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन बनाने में उन्होंने बराबरी की थी बाबर आजम के साथ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट में भी शुभमन गिल के बल्ले से हमें शतक आता हुआ देखने को मिला था तीसरे टी20 मुकाबले में। हालांकि ये तीसरा टी20 मुकाबला 1 फरवरी को हुआ था, लेकिन फिर भी जिस तरह से शुभमन गिल ने पूरे जनवरी के महीने में भारतीय टीम के लिए सर्वोच्चम और शानदार परफॉर्मेंस किया है, तो बाकी सभी खिलाड़ियों को पीछे पछाड़ते हुए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है शुभमन गिल ने। लेकिन सबसे बड़ी गौरतलब बात यह है कि जिस खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का अवार्ड जीता उसे फरवरी के महीने में एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खिलाया जा रहा है, उसे प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा रहा है और शायद आने वाले मुकाबलों में भी इस खिलाड़ी को हम भारतीय टीम के लिए प्लेइंग 11 में फीचर होता हुआ नहीं देखने वाले हैं। फिलहाल तब तक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। क्या कुछ आपका कहना है शुभमन गिल की शानदार फॉर्म के बारे में, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।